अभी आपको बताएं, लेस्को में सारफीन को 1 अरब 50 करोड़ की ओवर बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट यूनिट्स की मद में 3 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग कर दी गई, जराए का ऐसा बताना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फीन को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है और ये ओवर बिलिंग सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की मद में की गई है। जरा ने यह बताया है कि जो कंपनी है वो अपने लाइन लॉसेज इस तरह मुरतब करती है कि कौमी ग्रिड स्टेशन से मिलने वाली बिजली और सार्फीन को जो फरोख्त की जाती है, यानी कि रिसीट और सोल्ड का कंपेरिजन करने के बाद लाइन लॉसेज सामने आते हैं। लेकिन माह जुलाई में चूँकि बिलिंग के निज़ाम को तब्दील किया गया है और सोलर सिस्टम के जरिए जो एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स हैं इनको रिसीट में शामिल किया गया है और बड़ी आम फहम बात है कि जैसे ही रिसीट बढ़ती है तो उसकी वजह से कंपनी के लाइन लॉसेस बढ़ने के भी खदशात पैदा होते हैं। जब वो यूनिट्स एक्सपोर्ट यूनिट्स रिसीट में शामिल हुए तो कंपनी के पास आसान हल यही था कि उसको ओवर बिलिंग की जाए और एक्सपोर्ट होने वाले जो 3 करोड़ यूनिट्स हैं इनको सिर्फ ओवर बिलिंग की मद में इसको सहारा दिया गया और ओवर बिलिंग करके अपना रिकॉर्ड मुरतब किया गया। माह जुलाई में अगर यूनिट्स की बात की जाए तो 1 करोड़ 30 लाख हैं, जबकि माह अगस्त में 1 करोड़ 40 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कंपनी के सदरन और सेंट्रल सर्कल पर आया क्योंकि यहां से ज़्यादातर सार्फी ने सोलर सिस्टम लगा रखे हैं और बिजली के यूनिट्स बनाकर कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे हैं।